जिंदगी खुद अपनी मेहमान सरफरोशी है। हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ऑफ सिविल डिफेंस अकेडमी लखनऊ। सो आज जो हम चैप्टर यहाँ पर बेटा डिस्कस करने जा रहे हैं हमारा कौन सा है, मैट्रिसेस है। डिटरमिनेंट हमने लास्ट क्लास में किया था, अब हम करने जा रहे हैं मैट्रिसेस। ठीक है, तो मैट्रिसेस की अगर डेफिनेशन के बारे में बात करें तो ये जो मैट्रिसेस है एक्चुअली में एक मैथड है, या फिर ये कह सकते हैं एक तरीका है कुछ नंबर्स को, कुछ ऑब्जेक्ट्स को रो एंड कॉलम में अरेंज करने का। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला कि 10 स्टूडेंट थे, इनको आप एक रो में अरेंज करो, तो आपने रो में अरेंज कर दिया, बट इनको एक रेक्टेंगल शेप में, एक स्क्वायर शेप में अरेंज करने का जो मेथड होता है दैट इज कॉल्ड मैट्रिसेस। ठीक है, ये लिखा हुआ है यहाँ पर, मैट्रिसेस हमारा चैप्टर है। ठीक है, अब इसमें क्या कह रहे हैं, अ रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट, अ रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स, ठीक है, विच मे बी रियल और कॉम्प्लेक्स। मतलब नंबर कैसे हैं, रियल भी हो सकते हैं और कॉम्प्लेक्स नंबर हो सकते हैं, इन रो एंड कॉलम्स, इन रोज एंड कॉलम्स। ठीक है, इज कॉल्ड अ मैट्रिक्स। मतलब नंबर्स को आपको रो और कॉलम में अरेंज करने का जो मेथड है दैट इज कॉल्ड मैट्रिसेस। दिस अरेंजमेंट इज इनक्लोज्ड बाय स्मॉल ब्रेसेस, ठीक है, स्मॉल ब्रैकेट या बड़े ब्रैकेट दोनों में इसको लिख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद में द नंबर्स आर कॉल्ड द एलिमेंट्स, और जो अरेंजमेंट हुआ दैट इज कॉल्ड मैट्रिसेस। ठीक है, जो नंबर होंगे उनको हम क्या बोलेंगे, एलिमेंट बोलेंगे। ठीक है, और जो आपका अरेंजमेंट था दैट इज कॉल्ड मैट्रिसेस। तो ये तो बात हो गई डेफिनेशन के बारे में। ठीक है, अब जितने रो होंगे और जितने कॉलम होंगे, तो जो आपकी हॉरिजेंटल लाइन होगी, ठीक है, जो आपकी हॉरिजेंटल लाइन होंगे इनको हम बोलते हैं रो, और जो आपकी वर्टिकल लाइन होती है दैट इज कॉल्ड कॉलम। फॉर एग्जाम्पल यहां पर हमने एक मैट्रिक्स बनाई ऐसे, यहां पर हमने लिखा 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो ये वाले जो आपको लाइंस दिख रही हैं वर्टिकल लाइंस दैट इज कॉल्ड कॉलम्स, और ये जो लाइन है दैट आर कॉल्ड नोन एज रोज। ठीक है, इनको हम क्या बोलेंगे, पंक्ति, और जो खड़ी लाइन है उनको हम क्या बोलेंगे, स्तंभ बोलेंगे। ठीक है, चलो अब आते हैं यहाँ पर ऑर्डर की, ऑर्डर की बात करेंगे तो जितने रो और जितने कॉलम होते हैं, तो रो इनटू कॉलम कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, ऑर्डर मिल जाएगा। ठीक है, जैसे यहाँ पर क्या है, एन रो है, सॉरी एन कॉलम है और एम रोज है, तो रो इनटू कॉलम, तो यहाँ पर एम इज टू एन जो हो गया वो इसका ऑर्डर हो गया, एम इज टू एन, पहले रो आएगा और फिर कॉलम आएंगे। क्लियर है, चलो नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है, एग्जाम्पल एक और यहाँ पर दिया हुआ है, जैसे सेकंड एग्जाम्पल हमारे पास है। ठीक है, जिसमें से आपके पास जो वर्टिकल लाइन है वो 3 है और जो हॉरिजेंटल लाइन है वो 2 है, तो इसका जो ऑर्डर हो गया वो 2:3 का हो गया। ठीक है, आगे कह रहे हैं अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एम इज टू एन कंटेन्स एम एन एलिमेंट्स। अगर अगर किसी भी मैट्रिक्स का ऑर्डर एम इज टू एन है, तो हमने दोनों का प्रोडक्ट करा देंगे अगर, तो उसमें जो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट होंगे वो हमको मिल जाएंगे। जैसे इसका ऑर्डर कितना था, 2/3 का था, तो 2:3 करो तो इसमें टोटल 6 एलिमेंट्स होंगे। ठीक है, 3 और 3 6, बात समझ आ गई। चलिए नेक्स्ट आते हैं, इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस। मतलब दो मैट्रिक्स अगर गिवेन है आपके पास, तो दोनों मैट्रिक्स इक्वल कब होंगी, तो इक्वल होने के लिए क्या है, उनके रो और कॉलम आपस में इक्वल होने चाहिए। टू मैट्रिक्स ए एंड बी आर सेट टू बी इक्वल, ठीक है, इफ दे आर ऑफ सेम ऑर्डर। मतलब अगर दोनों का ऑर्डर सेम है एंड देयर करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऑल्सो इक्वल, मतलब एलिमेंट भी इक्वल हो और ऑर्डर भी इक्वल है, तो हम उनको क्या बोलेंगे, दोनों मैट्रिक्स कैसी हैं, इक्वल मैट्रिक्स हैं। ठीक है, मतलब समान जो है व्यू है। ठीक है, अब आते हैं यहाँ पर टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस में। तो टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस यहाँ पे वैसे तो टोटल 27 टाइप के मैट्रिसेस होती हैं हमारे एनडीए के पेपर में। ठीक है, और हम हर एक मैट्रिक्स को यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, दो चार करके हम यहाँ पर स्किप नहीं करेंगे, सारे के सारे मैट्रिक्स को हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो पहले हमारी कौन सी है, रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स को जनरल लैंग्वेज में समझ लो, लेमैन लैंग्वेज में समझ लो, कि ऐसी मैट्रिक्स जिसमें केवल एक रो होती है। ठीक है, कॉलम कितने हैं क्या फर्क पड़ता है, बट रो कितनी होनी चाहिए, एक होनी चाहिए। ठीक है, उसको हम क्या बोलेंगे, ये आपका रो मैट्रिक्स है। ठीक है, अब रो मैट्रिक्स का जो ऑर्डर होता है, ठीक है, चूंकि रो हमेशा एक रहनी, तो 1:whatever कोई नंबर, ठीक है, 1:m बोल दो, 1:n बोल दो, कुछ भी बोल सकते हैं, बात समझ आ रही है। आगे आ देते हैं, कह रहे हैं कॉलम मैट्रिक्स क्या होती है, तो नाम से ही पता चल रहा है कि जिसमें केवल एक कॉलम होगा उसको हम क्या बोलेंगे, कॉलम मैट्रिक्स बोलेंगे। अब इसका जो ऑर्डर होगा, अब इसमें कॉलम फिक्स हो जाएगा, तो m:1 n:n कुछ ऐसे बोल सकते हैं, बात समझ आ रही है। नेक्स्ट है हमारे पास सिंगलटन मैट्रिक्स। तो सिंगलटन मैट्रिक्स क्या होती है, सिंगलटन का मतलब ये होता है कि जिसमें केवल एक एलिमेंट हो,
सिंगलटन का मतलब क्या है, जिसमें केवल एक एलिमेंट होगा, ठीक है, उसको हम क्या बोलेंगे, सिंगलटन एलिमेंट बोलेंगे, ठीक है। और यहां पर एम कह रहे हैं कि ए बराबर ए आई जे एम एस टू एन इज अ सिंगलटन मैट्रिक्स इफ एम इज टू एन एम इक्वल टू एन इक्वल टू वन, ठीक है। एम और एन ये मतलब रो और कॉलम में जो एलिमेंट होंगे कितने होने चाहिए, वन वन होने चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं नल और जीरो मैट्रिक्स। तो नल और जीरो मैट्रिक्स क्या होते हैं, जिसमें एक भी एलिमेंट नहीं होता और इसको हम जीरो से या ओ से रिप्रेजेंट करते हैं। बात समझ आ गई, तो ये ध्यान रखेंगे, ठीक है। ये कुछ एग्जाम्पल हैं, ये आपका स्क्वायर मैट्रिक्स है एक, ठीक है, ये भी आपका स्क्वायर मैट्रिक्स है, नल मैट्रिक्स है, ठीक है। ये अभी आपका रेक्टेंगुलर है और साथ में नल है, ठीक है। ये अभी आप रेक्टेंगुलर है और नल है, रेक्टेंगुलर अभी आगे करेंगे, समझाऊंगा मैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट आते हैं ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स। बहुत ही अच्छा एक टाइप है एक्चुअली में, ये ऑपरेशन ऑन मैट्रिसेस होता है। कुछ नहीं करना, आप किसी भी मैट्रिक्स को, सपोज दैट मैंने यहाँ पर आपको एक मैट्रिक्स दे दी, मैंने बोला 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब इस मैट्रिक्स का मुझे ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स बताना है, तो ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स बराबर टी आर भी लिखते हैं, कहीं कहीं टी भी लिख सकते हो, ठीक है। प्रिंसिपल डायगनल ये होता है बेटा आपका मुख्य विकर्ण, ये होता है, इन सबको ऐड कर दो, तो 1 प्लस 5 प्लस 9, ठीक है। तो ये जो वैल्यू आएगी कितना हो गया, 15, ठीक है। तो ये जो वैल्यू है यही होती है हमारे पास ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है। मतलब प्रिंसिपल डायगनल के एलिमेंट को आप ऐड कर देंगे तो क्या मिल जाएगा, उसको मैट्रिक्स का ट्रेस मिल जाएगा, ठीक है। अब कुछ प्रॉपर्टीज हैं, इनको आपको याद रखना है, ठीक है। पहली प्रॉपर्टी क्या है, कह रहे ट्रेस ऑफ लेमडा है, लेमडा क्या है, कॉन्स्टेंट नंबर था, ठीक है। तो कह रहे अगर लेमडा मैट्रिक्स में है तो लेमडा बाहर आ जाएगा, अंदर वाले का ट्रेस निकल जाएगा, ठीक है। ट्रेस ऑफ ए माइनस बी, ट्रेस ऑफ ए माइनस बी, तो ट्रेस ऑफ ए माइनस बी क्या होता है, ट्रेस ऑफ ए माइनस बी निकालने के लिए क्या करेंगे, ट्रेस ऑफ ए माइनस ट्रेस ऑफ बी, ट्रेस ऑफ ए इंटू बी बराबर ट्रेस ऑफ बी ए, ठीक है। ट्रेस ऑफ ए इक्वल टू ट्रेस ऑफ ट्रांसपोज ऑफ ए, या इसी को हम लिखते हैं ट्रेस ऑफ ए डैश, ठीक है। ट्रेस ऑफ आइडेंटिटी मैट्रिक्स बराबर होता है एन, ठीक है। एन क्या है, उसका ऑर्डर होगा। ट्रेस ऑफ नल मैट्रिक्स हमेशा जीरो होता है। ट्रेस ऑफ ए बी डजंट इक्वल टू ट्रेस ऑफ ए इंटू ट्रेस ऑफ बी, ये याद रखेंगे, एनडीए 2016 या 15 वाले पेपर में क्वेश्चन था, प्रॉपर्टी बेस्ड, ठीक है। मैट्रिक्स में मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट के टोटल 8 से 12 क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। तो आप एक बात दिमाग में बिठा लीजिए, 8 क्वेश्चन तो होने ही होने, 8 से 12 क्वेश्चन, ठीक है, कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में से, बहुत ही आसान टॉपिकों में से एक है, ठीक है। चलो नेक्स्ट आते हैं, यहां पर नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारे पास, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है। मैट्रिसेस को ऐड कैसे करते हैं और सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं, ठीक है। तो कह रहे हैं इफ ए एंड बी आर टू मैट्रिसेस ऑफ द सेम ऑर्डर, ध्यान रखना कि अगर दोनों मैट्रिक्स को हमें एडिशन या सब्ट्रैक्शन निकालना है तो उनका ऑर्डर कैसा होना चाहिए, ऑर्डर मस्ट बी सेम, एंड देयर सम ए प्लस बी इज द मैट्रिक्स हुज ईच एलिमेंट इज द सम ऑफ करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट, ठीक है। कुल मिला के उसके अप किसी भी एक एलिमेंट को बगल वाली जस्ट वाली जो आप जिससे आपको ऐड करना है उसकी करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट से ऐड करते चले जाओ, मतलब जिसका जिसका ऑर्डर सेम है, ठीक है। तो हमें क्या मिल जाएगा, एडिशन मिल जाएगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर क्या है कि हमने एक एग्जाम्पल में ले लेता हूँ, यहाँ से यहाँ पर लिखा 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। और दूसरी मैट्रिक्स हमने यहां पर ले ली 1 1 1 2 2 2 और 3 3 3। अब ऐड करना है तो 1 वाला इससे ऐड होगा बेटा, 2 वाला इससे ऐड होगा, 3 वाला इससे ऐड होगा, ठीक है। सिमिलरली 4 वाला इससे, 5 इससे और 6 इससे, ये यहां पर, ये यहां पर और ये यहां पर, और एक मैट्रिक्स मिल जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से हमको एडिशन निकालना है, ठीक है। सब्ट्रैक्शन निकालने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले पहले ए प्लस करो और माइनस ऑफ बी कर लो, मतलब एक मैट्रिक्स जो बगल वाले थे उसमें माइनस कर लो पहले, फिर बाद में दूसरे के साथ में प्लस कर दो, ठीक है। चलो अब कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो कि इंपॉर्टेंट हैं, इनको समझ लेते हैं। तो कह रहे हैं प्रॉपर्टी में क्या कह रहे हैं, इफ ए बी एंड सी आर द मैट्रिसेस ऑफ द सेम ऑर्डर देन ए प्लस बी इक्वल बी प्लस ए। ए प्लस बी इक्वल क्या होता है, बी प्लस ए होता है, मतलब कॉम्यूटेटिव रूल इसमें क्रम विनिमेय नियम का पालन होता है, ठीक है। नेक्स्ट है ए प्लस बी प्लस सी बराबर ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है, सहचर नियम या एसोसिएटिव लॉ, ठीक है, ये भी वैलिड है, वैलिडेट करता है इस मैट्रिसेस के सम में, ठीक है। ए प्लस नल मैट्रिक्स बराबर 0 प्लस ए प्लस बराबर ए, ठीक है। तो यहाँ पर एडिसिव आइडेंटिटी का भी जो है को भी ये फॉलो करता है, ठीक है।
नेक्स्ट क्या है, ए प्लस माइनस ऑफ ए बराबर जीरो, माइनस ए प्लस ए बराबर जीरो, ठीक है, वेयर माइनस ए इज ऑब्टेंड बाई चेंजिंग द साइन ऑफ एवरी एलिमेंट, कुल मिला के माइनस से मल्टीप्लाई करा करके, ठीक है, तो एडिसिव इनवर्स का भी ये को भी ये फॉलो करता है, ध्यान रखेंगे। अब नेक्स्ट है कैंसिलेशन रूल, क्या होता है, कह रहे हैं ए प्लस बी बराबर ए प्लस सी है या बी प्लस ए बराबर, चूंकि ये तो ये वाला रूल तुम्हारे पास कौन सा हो गया, कॉम्यूटेटिव हो गया, कॉम्यूटेटिव तो ऑलरेडी है उसमें एप्लीकेबल है, तो यहां पर क्या होगा, जो चीज दोनों तरफ बराबर है उसको कैंसिल करके बी बराबर सी आ जाएगा दोनों रिजल्ट से, ठीक है, मतलब कैंसिलेशन रूल भी इसमें क्या करता है, वैलिडेट होता है, किसमें, सम ऑफ मैट्रिसेस में, ठीक है। नेक्स्ट है स्केलर मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिसेस, कह रहे दो मैट्रिक्स में अगर किसी भी एक अचर राशि से मल्टीप्लाई करना तो कैसे मल्टीप्लाई होगा, तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई हो जाता है, ठीक है, ए आई जे कोई एक मतलब ए और जिसमें आई एथ रो है, जे जे कॉलम्स हैं, ठीक है, इसका ऑर्डर जो है आपका एम एस टू एन का आया, तो के से हमने मल्टीप्लाई कराया तो के ए के हो जाएगा, ठीक है, और हर एक एलिमेंट में उससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। प्रॉपर्टी क्या है इसकी, लेमडा ए प्लस बी बराबर लेमडा ऑफ ए प्लस लेमडा ऑफ बी, अलग अलग मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है, सेम ये लेमडा म्यू, लेमडा प्लस म्यू इंटू ए, तो लेमडा ए प्लस म्यू इंटू ए हो जाएगा, लेमडा म्यू इंटू ए, मतलब दो कॉन्स्टेंट हमने यहाँ पर लिए हैं, ठीक है, तो इस तरीके से ये प्रॉपर्टीज हैं, इनको आपको देख लेना है, समझ लेना है, नोट डाउन जरूर कर लें, ठीक है, या स्क्रीनशॉट ले लें। अब इस नोट को आप समझ लो एक बार, कह रहे ऑल द लॉ, ऑल द लॉज ऑफ ऑर्डिनरी अलजेब्रा होल्ड्स फॉर द एडिशन और सब्सट्रैक्शन ऑफ द मैट्रिसेस एंड दियर मल्टीप्लीकेशन बाई स्केलर्स, एडिशन सब्सट्रैक्शन और स्केलर मल्टीप्लीकेशन, ठीक है, इनमें जितने भी अलजेब्रा के रूल्स हैं, एसोसिएटिव रूल, कैंसिलेशन रूल, ठीक है, ये एडिशिव आइडेंटिटी, ठीक है, इनवर्स आइडेंटिटी, इस सारे के सारे रूल जो होते हैं वो इन सारे तीनों ऑपरेशन में प्रॉपर सेटिस्फाई होते हैं, मतलब कोई भी एक्सेप्शन नहीं है, तो आप तो बस याद कर लो कि रूल के कौन कौन से, वो हमें नहीं याद करना, हमें बस ये सोचना है कि भाई ये अगर आएंगे तो इसमें तो सारे रूल एप्लीकेबल हैं, तो हमें सोचने की जरूरत नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट आता है मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिसेस, कि अगर दो मैट्रिक्स उनका मल्टीप्लीकेशन कैसे, तो ये थोड़ा सा लेंदी प्रोसेस होता है, लेंदी मतलब थोड़ा टाइम लगता है, टाइम टेकिंग है, ठीक है, कुल मिला के करना क्या है, रो और कॉलम को आपस में मल्टीप्लाई कराते हैं, ठीक है, जैसे मैंने एक आपको एक मैं मैट्रिक्स लेता हूं, ये हमने ले लिया यहां पर 1 2 3 4, ठीक है, और दूसरी मैट्रिक्स हमने ली है 1 1 2 2, ठीक है, अब इसमें हमें प्रोडक्ट करके देखना है कैसे होगा, तो हमको करना क्या बेटा, एक रो ले लिया मैंने और एक कॉलम ले लिया, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, वन वन इंटू वन करेंगे तो 1 आएगा, प्लस 2 इंटू 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ठीक है। अब इसी रो का सेकंड कॉलम में करेंगे तो 1 इंटू 1, इसका इससे कराया पहले, फिर 2 इंटू 2, 1 प्लस 4, फिर अब यहाँ पर आ गए तो 3 इंटू 1 हो जाएगा, अब सेकंड कॉलम में जा रहा हूँ मैं, ये वाली रो ले रहा हूँ और कॉलम ये वाला एक बार और एक ये वाला, ठीक है, तो 3 इंटू 1 किया तो 3 हो गया, प्लस 4 इंटू 2 किया तो कितना हो गया, 8। सिमिलरली इसका इसके साथ में तो 3 इंटू 1 3 और 4 इंटू 2 तो 8, ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास टोटल जो मैट्रिक्स आई वो क्या आई है, 5 11 5 11, ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, प्रोडक्ट निकालते हैं, ध्यान रहेगा। अच्छा ध्यान रखना कि अगर पहली वाली का ऑर्डर एम एस टू एन था मान लो, तो दूसरी वाली का ऑर्डर एन इज टू वॉट एवर कुछ भी हो सकता है, ठीक है, वैसे मैं एन इंटू एम बोल सकता हूं, मतलब ये दोनों चीजें आपस में मैच होनी ही चाहिए, ठीक है, मल्टीप्लीकेशन को परफॉर्म करने के लिए, ध्यान रहेगा। चलो नेक्स्ट आते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस, प्रॉपर्टीज ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस क्या होती है, सो इफ यू आर टॉकिंग अबाउट द मैट प्रॉपर्टीज ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस, तो उसके पहले में पता होना चाहिए कि आपका मैट, एक सेकेंड, चलिए अब नेक्स्ट आते हैं यहां पर प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लीकेशन, ठीक है, कि मल्टीप्लीकेशन की प्रॉपर्टी कौन कौन सी है, तो कुछ जो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी वो आप यहां पर देख लो, ठीक है, पहली प्रॉपर्टी क्या है, ए बी डज नॉट इक्वल बी ए, दूसरी क्या है, मतलब कहने का जनरली कॉमुटेटिव रूल जो होता है वो फॉलो इसमें नहीं होता है, ठीक है, ए इंटू बी इंटू सी बराबर ए इंटू बी इंटू सी, तो एसोसिएटिव रूल इसमें प्रॉपर होल्ड करता है। नेक्स्ट है आइडेंटिटी इंटू ए बराबर ए इंटू, मतलब आइडेंटिटी का कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो इसका मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स यहाँ पर का मल्टीप्लीकेशन जो है वो होल्ड करता है, ठीक है। ए प्लस बी प्लस सी बराबर ए बी प्लस ए सी, डिस्ट्रीब्यूटिव रूल भी प्रॉपर होल्ड करता है। इफ ए बी
इक्वल ए सी देन बी डज नॉट इक्वल सी, मतलब इसमें कैंसिलेशन रूल फॉलो नहीं होता मल्टीप्लीकेशन में, ध्यान रखेंगे ठीक है। नेक्स्ट है इफ ए बी इक्वल टू जीरो इट डज नॉट मीन, 2015 पेपर ये क्वेश्चन था, 15 या 14 मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है बट था क्वेश्चन है ठीक है, आप सर्च कर सकते हैं। इफ ए बी बराबर जीरो इट डजेंट मीन दैट ए बराबर जीरो और बी बराबर जीरो, ठीक है। अगेन प्रोडक्ट ऑफ टू नॉन जीरो मैट्रिसेस मे बी जीरो और मे नॉट बी जीरो, ठीक है। नेक्स्ट है पॉजिटिव इंटीग्रल पावर्स ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है। तो यहां पर पहले यहां पर सिंपल सी बात है कि अगर ए स्क्वायर लिखा है ठीक है, ये आपका ए स्क्वायर को ए इंटू ए लिख सकते हैं, ए क्यूब को ए इंटू ए लिख सकते हैं, ए स्क्वायर इंटू ए लिख सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से कुछ प्रॉपर्टी है कि ए की पावर एम इंटू ए की पावर एन है तो हम लिख सकते हैं ए की पावर एम प्लस एन, ए की पावर एम की पावर एन, तो ए की पावर ये हो जाएगा ठीक है। आइडेंटिटी की पावर एन है या आइडेंटिटी में कुछ भी पावर लगा दो वैल्यू हमेशा सेम ही रहेगी, आइडेंटिटी ही रहेगा ठीक है। इसके बाद में अगर किसी भी मैट्रिक्स की पावर जीरो करते हैं तो वो एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट हो जाएगा ठीक है। तो ये हो गया। अब आते हैं ट्रांसपोज मैट्रिक्स में, तो रो को कॉलम में जब हम चेंज करते हैं तो हमारे पास क्या बन जाता है, ट्रांसपोज बन जाता है, रो को कॉलम में या कॉलम को रो में ठीक है। तो ये आपको पता होगा, परिवर्तावयवी बोलते हैं इसको हिंदी में ठीक है। इसकी प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट है कि ट्रांसपोज ऑफ ए का होल ट्रांसपोज कर दे, होल ट्रांसपोज ऑफ ए इक्वल टू ए, मतलब ए डैश का होल डैश बराबर ए, ए डैश से भी रिप्रेजेंट करते हैं और ए की पावर टी से भी रिप्रेजेंट करते हैं। दो मैट्रिक्स का सम जो होता है वो अलग अलग ट्रांसपोज के बराबर हो जाएगा, ए प्लस बी की होल का होल ट्रांसपोज बराबर ए की पावर टी या ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज ठीक है। कॉन्स्टेंट इंटू ए का होल ट्रांसपोज बराबर के इंटू ट्रांसपोज ऑफ ए ठीक है। ए इंटू बी का होल ट्रांसपोज बराबर बी का ट्रांसपोज इंटू ए का ट्रांसपोज, ए वन ए टू डॉट 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 ए एन का होल ट्रांसपोज बराबर उल्टा चलेंगे ए एन की पावर टी ए एन माइनस वन की पावर का ट्रांसपोज डॉट 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 ए थ्री ए टू ए वन इनका ट्रांसपोज। आइडेंटिटी का जो ट्रांसपोज होता है वो आइडेंटिटी के बराबर होता है, ये भी ध्यान रखेंगे ठीक है। नेक्स्ट आते हैं स्पेशल टाइप ऑफ मैट्रिसेस, कुछ स्पेसिफिक टाइप की मैट्रिसेस हैं इनको आप देख लो। जैसे पहली हमारे पास सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होती है, तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स का मतलब ये है कि अगर हमने किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज किया और वही सेम मैट्रिक्स मिल गई तो उसको हम क्या बोलेंगे, सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोलेंगे। अगर माइनस साइन बाहर आ गया उसको हम बोलेंगे इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोलेंगे ठीक है। जैसे ये एग्जाम्पल है, इस एग्जाम्पल में अगर आप रो को कॉलम में चेंज करेंगे तो कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, तो ये कैसी एक मैट्रिक्स है, ये एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है ठीक है। और अगर माइनस साइन बाहर आ जाए जैसे अगला एग्जाम्पल है तो वहां पर क्या हो जाएगा, वो इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो जाएगा। बात समझ आ गई। ऑल प्रिंसिपल डायगनल एलिमेंट ऑफ अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स आर ऑलवेज जीरो बिकॉज फॉर एनी डायगनल एलिमेंट ठीक है। अगर वो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो आप एक बात दिमाग में बिठा लीजिए कि उसके प्रिंसिपल डायगनल के सारे एलिमेंट कैसे होंगे, हमेशा जीरो होंगे इसकी सिमेट्रिक में। सिमेट्रिक में ये मैंडेटरी नहीं है ठीक है। चलो अब आते हैं यहां पर हम प्रॉपर्टी पे कि इसकी प्रॉपर्टी कौन कौन सी है। तो प्रॉपर्टी पे आने पर पहली प्रॉपर्टी क्या है कि अगर ए कोई एक मैट्रिक्स ए है, इफ ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स देन ए प्लस ए ट्रांसपोज ए इंटू ए ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज इंटू ए, ये तीनों मैट्रिक्स जो होंगी वो कैसी होंगी, सिमेट्रिक होंगी। बट ए माइनस ए ट्रांसपोज जो होगा वो इसकी सिमेट्रिक रहेगा, ये ध्यान रखना बेटा ठीक है, क्योंकि कंफ्यूजन हो जाता है। ए प्लस ए ट्रांसपोज ए इंटू ए ट्रांसपोज इंटू ए ये सिमेट्रिक ही रहेंगे, बट ए माइनस ए ट्रांसपोज मतलब डिफरेंस ये इसकी सिमेट्रिक हो जाएगा ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, इफ ए इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स देन माइनस ऑफ ए ठीक है, के इंटू ए ए ट्रांसपोज ए की पावर एन ए की पावर माइनस वन बी की पावर टी, मतलब कोई भी एक अदर जो मैट्रिक्स है उसकी ट्रांसपोज ए इंटू बी, ये सब जो होंगी वो कैसी होंगी, इसकी सॉरी सिमेट्रिक मैट्रिक्स होंगी, जहां पर स्मॉल एन जो है मतलब जो पावर लग रही वो नेचुरल नंबर रहेगा हमेशा, और जो कॉन्स्टेंट है वो कुछ भी हो सकता है रियल नंबर में ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, इफ ए एंड बी आर टू मैट्रिसेस ठीक है, देन ए प्लस माइनस बी ए बी प्लस बी ए ठीक है, ए प्लस माइनस बी ए बी प्लस बी ए आर ऑल्सो सिमेट्रिक मैट्रिसेस। नेक्स्ट बेटा, ए बी माइनस बी ए इज इसके सिमेट्रिक, जहां जहां डिफरेंस आया मैंने देखा कि वो हमेशा किस में कन्वर्ट हो रहा है, माइनस में इसके सिमेट्रिक में कन्वर्ट हो रहा है। ए बी इज आर सिमेट्रिक मैट्रिक्स वेन ए बी इक्वल बी ए ठीक है, इफ ए एंड बी आर टू इसकी सिमेट्रिक मैट्रिसेस, ध्यान रखना इसकी बेटा और सिमेट्रिक नहीं है ठीक है, यहाँ पे कंफ्यूजन हो जाता है चूंकि हमें यहाँ पे सिमेट्रिक की आदत पड़ी है ना। अगर ए और बी इसकी सिमेट्रिक है देन ए प्लस माइनस बी ए बी माइनस बी ए आर इसकी सिमेट्रिक, और ए बी प्लस बी ए इज आ सिमेट्रिक ठीक है। उसमें क्या था,
अगर ए और बी सिमेट्रिक थे, अब यहाँ पर क्या है, ए और बी इसकी सिमेट्रिक है, तब प्लस और माइनस जो होगा वो इसकी सिमेट्रिक रहेगा, बट अगर ए बी प्लस बी ए करते हैं मतलब मल्टीप्लाई करके, तो वो कैसा हो जाएगा, सिमेट्रिक हो जाएगा। सिंगुलर नॉन सिंगुलर क्या होते हैं, अगर कोई एक डिटर्मिनेंट है, अगर उसके सॉरी एक मैट्रिक्स है उसके डिटर्मिनेंट की वैल्यू जीरो तो सिंगुलर, अगर डिटर्मिनेंट की वैल्यू जीरो नहीं है तो वो नॉन सिंगुलर। ठीक है, अगर डिटर्मिनेंट की वैल्यू जीरो नहीं है तो नॉन सिंगुलर, और अगर सिंगुलर है तो उसके डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या रहेगी, जीरो रहेगी, ध्यान रहेगा। एग्जाम्पल ये है, ठीक है, कि हमने यहाँ पर मैट्रिक्स ली है कोई एक, ठीक है, इसका हमने डिटर्मिनेंट निकाला तो -2 आ गया, मतलब नॉन सिंगुलर हो गया, अगर जीरो होता तो सिंगुलर होता। ठीक है, हर्मीशियन एंड स्क्यू हर्मीशियन मैट्रिक्स, दो मैट्रिक्स होती है, ये क्या होती है, कहने अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स ए इज सेट टू बी हर्मीशियन इफ ए आई जे बराबर ए जे आई का बार, मतलब हमने उसका ट्रांसपोज किया, और ट्रांसपोज करने के बाद उसका हमने कॉन्जुगेट किया, ठीक है, ट्रांसपोज कॉन्जुगेट करने पर वही मैट्रिक्स मिल गई अगर, तो वो कैसी हो जाएगी, हर्मेशियन, और अगर माइनस साइन बाहर आ गया तो स्क्यू हर्मेशियन। अच्छा, ट्रांसपोज का मतलब क्या है, रो को कॉलम में चेंज कर देना, और कॉन्जुगेट का मतलब क्या है, जहां जहां आयोटा आएगा उसको मतलब प्लस से माइनस से माइनस से प्लस करना है। ठीक है, चलो आते हैं एग्जाम्पल में। तो ये हमारे पास एक एग्जाम्पल था, ये एक मैट्रिक्स थी हमारे पास, ठीक है, ये भी एक मैट्रिक्स है, ये दोनों मैट्रिक्स कैसी हैं, हर्मीशियन मैट्रिक्स हैं। ठीक है, और अगर बेटा माइनस साइन बाहर आ जाता है तो वो क्या होगी, इसकी हर्मीशियन होगी। ठीक है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स क्या होती है, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स क्या होती है कि अगर ए इंटू ए ट्रांसपोज करें और आइडेंटिटी मिल जाए, ये ए ट्रांसपोज इंटू ए मतलब किसी भी मैट्रिक्स का हमने परिवर्तावयव निकाला, रो को कॉलम में चेंज किया और फिर प्रोडक्ट निकाला, और वो आइडेंटिटी के बराबर ही रहा, ए इंटू ए ट्रांसपोज बराबर ए, तो उसको हम क्या बोलेंगे, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स बोलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं यहाँ पर, ये स्पेसिफिक टाइप के मैट्रिक्स हैं बेटा। ठीक है, आइडिंपोर्टेंट, आइडिंपोर्टेंट मैट्रिक्स क्या होती है, कहना अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज कॉल्ड एन आइडिंपोर्टेंट इफ ए स्क्वायर इक्वल टू ए, ओनली ए स्क्वायर इक्वल है, पावर और नहीं बढ़ेगी। ठीक है, अगर हमने उसका स्क्वायर निकाला और वही मिल गया तो वो आइडिंपोर्टेंट हो जाएगी, और ये ध्यान रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट आता है इनवोल्यूटरी मैट्रिक्स क्या होती है, इनवोल्यूटरी मैट्रिक्स कह रहे हैं इफ ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स देन, उसको इनवोल्यूटरी बोलने के लिए ए स्क्वायर बराबर, अभी ए था अब ए स्क्वायर बराबर आई है, ठीक है, या फिर ए इनवर्स बराबर ए, ये दोनों प्रॉपर्टी है, ए स्क्वायर इक्वल टू आइडेंटिटी या ए इनवर्स बराबर ए, अगर दोनों मिलती है तो वहां पर क्या बोलेंगे, कैसी है, ये एक इनवोल्यूटरी मैट्रिक्स है। ठीक है, नेक्स्ट है निलपोटेंट, निलपोटेंट मतलब अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज कॉल्ड निलपोटेंट मैट्रिक्स इफ देयर एग्जिस्ट अ P belongs to N such that A की पावर P बराबर 0, A कोई मैट्रिक्स है, हमने उसका पावर किया है कुछ, ठीक है, और वो मैट्रिक्स क्या हो गई, 0 के बराबर हो गई, मतलब नल मैट्रिक्स हो गई, तो उसको हम क्या बोलेंगे, निलपोटेंट बोलेंगे, क्या बोलेंगे, निलपोटेंट बोलेंगे। ठीक है, कहें डिटरमिनेंट ऑफ एवरी निलपोटेंट मैट्रिक्स इज ऑलवेज 0, ये ध्यान रखना। ठीक है, इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ये। नेक्स्ट है यूनिटरी मैट्रिक्स, कह रहे अ स्क्वायर मैट्रिक्स इज सेट टू बी यूनिटरी इफ ए डैश मतलब ए का ट्रांसपोज कॉन्जुगेट इनटू गिवन मैट्रिक्स इक्वल्स टू आइडेंटिटी, मतलब जो हमारे पास गिवन मैट्रिक्स थी फिर उसका हमने कॉन्जुगेट ट्रांसपोज मैट्रिक्स निकाला, ठीक है, और दोनों का प्रोडक्ट कराया तो क्या मिल गया हमको, आइडेंटिटी मिल गई, तो इसको हम क्या बोलेंगे, यूनिटरी मैट्रिक्स बोलेंगे। बाकी अदर कंडीशंस भी इनको आप देख लो, समझ लो, ठीक है, सब सेम ही है। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, यूनिटरी मैट्रिक्स बोलेंगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट आते हैं बेटा, ये लास्ट में वही सेम कंडीशन लिखी हुई है। ठीक है, नेक्स्ट कहना है डिफरेंशिएशन ऑफ अ मैट्रिक्स, किसी भी मैट्रिक्स का डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं। ठीक है, तो बहुत आसान है, जहां जहां एक्स उसको डिफरेंशिएट कर लो सीधे सीधे एक ही बार में। ठीक है, मतलब मैट्रिक्स में कोई ये नहीं सोचना कि अलग, इंटीग्रेशन जो होता है या डिफरेंशिएशन होता है डिटर्मिनेंट का थोड़ा अलग होता है, बट मैट्रिक्स में सेम है, हर एक एलिमेंट डिफरेंशिएट हो जाएगा। ठीक है, आप एक साथ में, ठीक है, डायरेक्ट, जैसे ये एग्जाम्पल है, तो इस एग्जाम्पल में देखो ध्यान से, ए बराबर था डी बाई डी डीएक्स हमने किया, तो एक्स स्क्वायर का 2x, साइन एक्स का कॉस एक्स, और 2x का 2, और 2 का कॉन्स्टेंट नंबर था तो वो 0 हो गया। ठीक है, चलो नेक्स्ट आते हैं कॉन्जुगेट ऑफ अ मैट्रिक्स, कॉन्जुगेट मतलब प्लस का साइन माइनस में करना है, माइनस का साइन प्लस में करना, कब, जब आयोटा गिवन होगा तभी तो करेंगे, मतलब ए प्लस आयोटा बी था तो उसको ए माइनस आयोटा बी में, या ए माइनस आयोटा बी था तो उसको ए प्लस आयोटा बी में कन्वर्ट कर देने का जो प्रोसेस होता है दैट इज कॉल्ड कॉन्जुगेट मैट्रिक्स।
नेक्स्ट आते हैं बेटा यहाँ पर प्रॉपर्टीज हैं कुछ कॉन्जुगेट मैट्रिक्स की। प्रॉपर्टी क्या है, कह रहे ए बार का होल बार इक्वल्स टू ए, मतलब कॉन्जुगेट ऑफ किसी भी मैट्रिक्स का हमने कॉन्जुगेट किया फिर उसको होल कॉन्जुगेट कर दे तो वही गिवन मैट्रिक्स मिल जाएगी। ए प्लस बी का होल बार इक्वल टू ए बार प्लस बी बार, अल्फा इंटू ए बार बराबर अल्फा बार इंटू ए बार, अगर ए इंटू बी का होल बार करते हैं तो ए बार इंटू बी बार अलग अलग हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है ट्रांसपोज कॉन्जुगेट, तो हमने उसका कॉन्जुगेट निकाला फिर ट्रांसपोज किया, या ट्रांसपोज निकालने के बाद कॉन्जुगेट करो कोई फर्क नहीं पड़ता। ट्रांसपोज मतलब रो को कॉलम में चेंज करना, कॉन्जुगेट मतलब साइन चेंज करना, ठीक है, वैल्यू में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट होती है, तो प्रॉपर्टी क्या क्या है इसकी, पहली प्रॉपर्टी है हमारे पास ए की पावर थीटा, की पावर थीटा बराबर ए, ए प्लस बी का होल ट्रांसपोज कॉन्जुगेट बराबर ए ट्रांसपोज कॉन्जुगेट प्लस बी ट्रांसपोज कॉन्जुगेट, के कॉन्स्टेंट मतलब है यहाँ पर के, ठीक है, ये हो जाएगा ए इंटू बी का होल ट्रांसपोज कॉन्जुगेट, कॉन्जुगेट ट्रांसपोज इक्वल टू बी ट्रांसपोज कॉन्जुगेट इंटू ए ट्रांसपोज कॉन्जुगेट, ठीक है। नेक्स्ट आता है एडजॉइंट ऑफ ए, तो एडजॉइंट ऑफ ए और ए इनवर्स दोनों एक दूसरे से इंटर कोरिलेटेड है, ठीक है। तो कुल मिला के हमें क्या करना है, किसी भी गिवन मैट्रिक्स के आप पहले को फैक्टर निकाल लो, ठीक है, और को फैक्टर से बनने वाली जो आपकी मैट्रिक्स होगी उसका कर दो ट्रांसपोज, तो जो मैट्रिक्स आएगी उसको हम बोलेंगे एडजॉइंट ऑफ ए। क्या करना है, एग्जाम्पल देख लो, मान लो हमारे पास क्या था 1 2 3 4 5 6, एक मिनट, हाँ यहाँ पर मैंने क्या किया 1 1 1 2 2 2 1 1 1। अब यहाँ पर हमको इसका को फैक्टर निकालना है, मान लो हमको इस नंबर का को फैक्टर चाहिए, तो को फैक्टर कैसे निकालेंगे, ये छोड़ेंगे क्या बचेगा, ये बचेगा, ठीक है, तो 2 इंटू 1 2 और -2 तो 0 आ गया, ठीक है। ऐसे मान लो इसका निकालना है तो ये छूटेगा, ये छूटेगा, ये करेंगे माइनस, ये करेंगे, तो 2 -1 फिर से 0 आ गया, ठीक है। बस ध्यान रखेंगे साइन का, साइन हमेशा प्लस माइनस के साथ में लेंगे, माइनर में क्या होता है कि हमें साइन नहीं लेना होता, बट को फैक्टर में साइन लेने होते हैं, और फिर इनसे जो एलिमेंट आए, जो मैट्रिक्स आए उसका ट्रांसपोज कर दो तो क्या मिलेगा, एडजॉइंट ऑफ ए मिलेगा, ठीक है। और इसी ट्रांसपोज को अगर आप उसकी डिटरमिनेंट की वैल्यू से डिवाइड कर देंगे तो क्या मिलेगा, ए इनवर्स मिल जाएगा, ठीक है। प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट है, पहली प्रॉपर्टी क्या है, ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल्स टू डिटरमिनेंट ऑफ ए, या इंटू आइडेंटिटी जब करेंगे तो ये एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए के बराबर हो जाएगा। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए बराबर डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू आइडेंटिटी बराबर एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए, ठीक है। नेक्स्ट कह रहे हैं, अच्छा एक बात और कह रहे हैं कि ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इज ऑलवेज स्केलर, इंपॉर्टेंट, ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इज ऑलवेज अ स्केलर मैट्रिक्स। नेक्स्ट है एडजॉइंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए का होल डिटरमिनेंट इक्वल डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू एन माइनस वन का होल स्क्वायर, जहां पे एन क्या है नंबर ऑफ उसमें एलिमेंट्स कितने हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है एडजॉइंट ऑफ ए ट्रांसपोज बराबर एडजॉइंट ऑफ ए का होल ट्रांसपोज, एडजॉइंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी बराबर एडजॉइंट ऑफ बी इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, उल्टा होता है। नेक्स्ट आते हैं बेटा, नेक्स्ट हमारे पास क्या है, एडजॉइंट ऑफ ए की पावर एम बराबर एडजॉइंट ऑफ ए की होल पावर एम, ठीक है। एडजॉइंट ऑफ कॉन्स्टेंट इंटू ए बराबर के की पावर एन माइनस वन इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट ऑफ आइडेंटिटी बराबर आइडेंटिटी। अगर अब ये इंपॉर्टेंट है, अगर ए सिमेट्रिक है तो ए एडजॉइंट ऑफ ए भी सिमेट्रिक होगा, ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है बेटा। इफ ए सिमेट्रिक देन एडजॉइंट ऑफ ए इज सिमेट्रिक, इफ ए इज डायगनल देन एडजॉइंट ऑफ ए इज ऑल्सो डायगनल, इफ ए इज ट्रायंगुलर देन एडजॉइंट ऑफ ए ऑल्सो ट्रायंगुलर, इफ ए इज सिंगुलर देन एडजॉइंट ऑफ ए बराबर जीरो, ठीक है, या नल मैट्रिक्स। चलो नेक्स्ट आते हैं, इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स निकालने का सीधे बेसिक से फंडा है कि यहाँ पर ए इनवर्स बराबर एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन में डिटरमिनेंट ऑफ ए, एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन में डिटरमिनेंट ऑफ ए, ये फॉर्मूला लगेगा, ध्यान रखेंगे इसको, ठीक है। अच्छा इसके लिए ये बहुत जरूरी है इनवर्स निकालने के लिए कि डिटरमिनेंट की वैल्यू जो होगी वो हमेशा क्या होनी चाहिए, जीरो, तभी एग्जिस्ट करेगा, अदरवाइज एग्जिस्ट नहीं करेगा। अब आते हैं प्रॉपर्टी में, प्रॉपर्टी का ए इनवर्स का होल इनवर्स बराबर ए हो जाता है, ए ट्रांसपोज का होल इनवर्स बराबर ए इनवर्स का होल ट्रांसपोज, कोई दिक्कत नहीं है, ए इंटू बी का होल इनवर्स बराबर बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स, ए की पावर के पावर माइनस इनवर्स करेंगे तो ए की पावर ए इनवर्स इंटू के हो जाएगा, वही सेम अगली प्रॉपर्टी भी है, एडजॉइंट ऑफ ए इनवर्स बराबर एडजॉइंट ऑफ ए इंटू का होल इनवर्स। नेक्स्ट ए इनवर्स का डिटर्मिनेंट बराबर 1 बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए या ए का इनवर्स या डिटरमिनेंट ऑफ ए का इनवर्स, ठीक है, मतलब ए इनवर्स का होल डिटरमिनेंट करो या पहले डिटरमिनेंट करो फिर उसका इनवर्स करो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। अरे ए
इफ ए इज आर डायगनल, दे ए इनवर्स बराबर डायगनल ऑफ ए इनवर्स ए वन इनवर्स ए टू इनवर्स डॉट डॉट ए एन इनवर्स। ठीक है, नेक्स्ट है कह रहे हैं इफ ए इज आ सिमेट्रिक मैट्रिक्स देन ए इनवर्स इज ऑल्सो सिमेट्रिक, इफ ए इज डायगनल देन ए इनवर्स इज ऑल्सो डायगनल, इफ ए इज स्केलर मैट्रिक्स देन ए इनवर्स इज ऑल्सो स्केलर मैट्रिक्स। ठीक है, तो ये बेटा सारा डिस्कशन जो हमने किया ये हमारे मैट्रिक्स से रिलेटेड डिस्कशन था। आई होप ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा। ठीक है, इसमें ज़्यादा कुछ तो डिस्कस नहीं किया, बट हमने कोशिश की है कि आपका एक कंप्लीट रिवीजन टाइप का एक वीडियो बन सके इतने कम टाइम में एज ए क्रैश कोर्स के लिए। ठीक है, तो आगे के वीडियो लेक्चर को आप देखते रहें, ठीक है, और प्रॉपर टच में बने रहें। बाकी आप बढ़िया से मेहनत करिए, ठीक है, बेस्ट ऑफ लक एंड हैव अ नाइस डे, थैंक यू।